चलिए, तो इस सेशन में हम बातचीत करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, 2012 का ये प्रमुख एक्ट है। क्या है ये एक्ट? बहुत ही शॉर्ट में जब हम इस एक्ट के बारे में बातचीत करते हैं तो इसको पॉक्सो बोला जाता है। ठीक है, पॉक्सो बेसिकली आप देखोगे तो आपका जो प्रोटेक्शन का POC, ठीक है ना, तो POC चिल्ड्रेन, अब ये फ्रॉम के लिए कुछ नहीं किया है, फिर SO सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, ठीक है ना, तो प्रोटेक्शन ऑफ कह सकते हो कि आपका एक्ट, तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट पॉक्सो, जिसको अपन जो है तो सामान्य बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। तो ये इस एक्ट के संबंध में हम आज ब्रीफली बातचीत करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो इस एक्ट के बारे में यदि हम शुरुआत में देखें तो सबसे पहले समझते हैं कि किस संवैधानिक प्रावधान के तहत इसको बनाया गया है। आप देखोगे आपका जो बेयर एक्ट है वहां पर भी ये आर्टिकल मेंशन है, तो आर्टिकल सबको लगभग पता होगा, नहीं पता तो बता देता हूं कि आर्टिकल आपका 15(3) है ना, 15(3) जो स्पेशल प्रोविजन करने के लिए स्टेटो कहता है फॉर द वुमेन एंड चिल्ड्रन, तो स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष प्रावधान के लिए बातचीत करता है संविधान का अनुच्छेद 15(3), और इसी के तहत आपका ये एक्ट जो है आपके सामने पेश किया गया। तो कुल मिलाकर वही जो मैंने बताया कि राज्य के लिए विशेष उपबंध करने की शक्ति जो है तो प्रदान करता है ना। अब इसके अतिरिक्त और कहाँ पे संविधान में मिलेगा, तो संविधान का आर्टिकल 39 भी थोड़ा सा इंटरलिंक कर सकते हो, जो राज्य को एक ड्यूटी प्रोवाइड करता है। आपको पता है कि डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के नाम से, DPSP के नाम से आपका चैप्टर, सॉरी पार्ट 4 संविधान का जो आपका बताया गया है, वहां पे आर्टिकल 39 जो एक तरह से स्टेट को ये बोलता है कि जब आप अपनी पॉलिसीज बनाओगे, अपने जो एक्ट रूल्स रेगुलेशन बनाओगे उसको इस प्रकार से कंडक्ट करोगे, संचालित करोगे कि कोई भी बच्चा उसके साथ कुछ गलत ना हो, और उसकी खासकर उसका जो टेंडर एज है, उसकी जो तरुण आयु है, सुकुमार जो उसकी अवस्था है, उसको प्रोटेक्शन जो है तो यहाँ पर मिल सके, यह बातचीत यहाँ पे ध्यान रखेगा। ये जो एक्ट है ये जेंडर इक्वल माना जाता है। जेंडर इक्वल मतलब कि यहाँ पर आगे पढ़ेंगे डेफिनेशन में बालक शब्द यूज किया गया है। बालक का मतलब जनरली हम लोग लेते हैं कि लड़का होगा, लेकिन यहाँ पे बालक का मतलब कि चाहे वो लड़का हो लड़की हो, अंडर द एज ऑफ 18 ईयर, 18 साल से कम एज का व्यक्ति। तो देखा जाए तो यहाँ पर जेंडर इक्वलिटी की बातचीत यहाँ पे करता है, दोनों के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए एक्ट काम करता है, ठीक है ना, ये यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा इसके संबंध में कुछ अदर चीजों को भी हम देख लेंगे कि क्या कुछ और प्रोविजंस किए गए हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यूनाइटेड जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक बालकों के संबंध में कन्वेंशन का आयोजन किया था, कब, 1989 में, बालकों के अधिकारों के संबंधित समय 1989 में कन्वेंशन ऑफ द राइट द चिल्ड्रन, तो इसको यहाँ पे कंडक्ट किया था। बाद में इस कन्वेंशन का रेडिफिकेशन, अंगीकरण, अंगीकरण यानी कि एक तरह सरकार ने, भारत सरकार ने अडॉप्ट कर लिया कि इस कन्वेंशन के तहत हम विधि बनाएंगे, तो रेडिफिकेशन किया था। वो डेट कौन सी थी, 11 दिसंबर 1992, तो 1989 में ये कन्वेंशन हुआ था और 1992 में, 1992 में भारत सरकार ने उसको रेडिफाई किया, अनुसमर्थन किया। रेडिफिकेशन से क्या होता है कि अब आप एक तरह से बाध्य हो गए कि उस कन्वेंशन के अभिसमय के अकॉर्डिंग इस देश में विधि बनाने के लिए। तो जब अब भारत सरकार बाध्य हुई तो भारत सरकार के तहत विधि कौन बनाएगा, तो सिंपल सी बात है कि पार्लियामेंट बनाएगी, संसद बनाएगी। तो संसद किस आर्टिकल को यूज करती है, तो बेसिकली आप देखोगे आर्टिकल 253 यहाँ पे बताई गई है, जिसका प्रयोग करके जनरली जो है तो किसी भी इंटरनेशनल कन्वेंशन, वहां पे और भी बातचीत बातचीत वहां पे कहता है, कोई भी इंटरनेशनल कोई ट्रिटी हो गई, कन्वेंशन हो गया, एग्रीमेंट्स हो गया, उसके आधार पे जो विधियां पार्लियामेंट बनाती है वो आर्टिकल 253 के यूज में बनाती है, ये चीज यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो इसका बनाया गया ये एक्ट जो बनाया गया है, तो क्या इस मतलब किस मतलब क्या इसके पीछे का कुछ और चीजें थी, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है तो इसको थोड़ा सा एक बार कह सकते हो कि बातचीत किया, तो
तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बातचीत किया, यहाँ पर देखोगे तो कहाँ पे बातचीत किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो एक बहुत फेमस केस है सलील बाली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 का, 2013 का फेमस केस है सलील बाली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी बालक की आयु किसी भी सरकमस्टेंसेस में 18 साल से कम नहीं हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि जो आपका बालकों का अधिकार अभी समय है 1989, उसके आर्टिकल 1 में इस चीज को सबसे पहले मेंशन किया गया है कि बालक की एज किसी भी सरकमस्टेंसेस में अंडर 18 ईयर नहीं होगी, 18 साल से कम नहीं होगी। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम डिसाइड कर लें कि बालक की एज 16 साल होगी, हम डिसाइड कर लें बालक की एज 15 साल होगी, नहीं, बालक की एज 18 साल होगी। कि हमने जो इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ था 1989 में, हमने 11 दिसंबर 1992 में उसको रेटिफाई किया है, तो एक तरह से हम बाउंडेबल हैं, बाध्य हैं उसके अकॉर्डिंग जो है तो विधि बनाने के लिए। तो वहां पर बालक की एज 18 साल डिसाइड की गई है, तो हमको वही एज यहाँ पे रखनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये बातचीत सुप्रीम कोर्ट के सामने आई कि क्या बालक की एज 18 साल से कम करनी चाहिए, क्योंकि ये वो समय था 2013 का जो निर्भया केस भी उस समय हाईलाइटेड था, तो सिंपल सी बात है 2012 का यदि आपको याद होगा निर्भया केस था, तो वहां पर भी काफी मांग की गई। देखा जाए तो ये इसको इस पर्टिकुलर चीज के बारे में ज्यादा बातचीत हम जेजे एक्ट में करेंगे, है ना, और ये एक्ट थोड़ा सा जेजे एक्ट यानी कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पॉस्को दोनों एक्ट को इंटरलिंक करके जो है तो जजमेंट था, पर ज्यादा झुकाव इस जजमेंट का जेजे एक्ट की तरफ था। तो लेकिन बात वहीं पे की गई थी कि बालक की एज, तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जनरली ये एक्ट, ये जो केस है ये ज्यादातर बातचीत करता है कि जुवेनाइल के संबंध में। जुवेनाइल मतलब कि कोई भी बालक यदि अपराध करता है तो उसको हम जुवेनाइल बोलते हैं, ठीक है, और जनरली यदि वही बालक पीड़ित होता है तो केवल हम चिल्ड्रन शब्द वहां पर यूज करते हैं, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो ये जजमेंट में इन सभी चीजों को बारीकी से समझाया गया था सलील बाली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के इस केस में 2013 सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइडेड ये केस था, ठीक है। तो ये इस पर्टिकुलर एक्ट को पढ़ने के पहले का इसके पीछे का थोड़ा सा बैकअप स्टोरी जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे, है ना, अभी और भी बैकअप स्टोरी में कुछ और बातें हैं, तो अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। अब आते हैं थोड़ा सा इस एक्ट को समझते हैं, तो क्या है ये एक्ट। तो बेसिकली यदि इस एक्ट के बारे में बातचीत करें तो ये डिवाइडेड है 9 chapters में, 9 अध्याय में 46 इसकी सेक्शन है और एक शेड्यूल पीछे दी गई है। तो 9 chapter 46 सेक्शन और एक शेड्यूल इसके साथ यहाँ पे क्लासिफिकेशन क्लासिफाइड है ये चैप्टर आपका, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। खासकर माइनर एक्ट का जो एक्ट नंबर होता है, एक्ट नंबर मतलब कि उस साल का ये कौन से नंबर का एक्ट था, तो बेसिकली 2012 में, क्योंकि 19 जून 2012 को राष्ट्रपति ने अपनी सहमत प्रदान की थी, 2012 का ये एक्ट नंबर 32, ठीक है ना, तो एक्ट नंबर ये 32 था। तो ये पॉइंट्स भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बातें हैं पर ये एमसीक्यू वाली बातचीत यहाँ पर है, ध्यान में रखिएगा प्रॉपर तरीके से। अगली बातचीत हम करते हैं, तो अगली बातचीत यहाँ पर दो तीन चीजें और देखते हैं। तो ये चीजें अभी मैंने आपको बताया कि इस एक्ट के बारे में हम बातचीत करें, तो 19 जून 2012 को, ठीक है ना, क्योंकि ये केंद्रीय विधि है तो राष्ट्रपति में पता ही होगा, ये मैंने बताया भी था कि आर्टिकल आपका 111 के तहत राष्ट्रपति ने 19 जून 2012 को, ठीक है ना, 19 जून ऑफ 2012 को राष्ट्रपति से SN यहाँ पे इसने एक तरह से अचीव प्राप्त किया, और इसके बाद 20 जून यानी नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन ही जो है तो ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन में इसको पब्लिश कर दिया गया, है ना। लेकिन ध्यान रखना कि गजट नोटिफिकेशन में किया गया, डेट ऑफ एनफोर्समेंट अगली है, देखा जाए तो सेक्शन 1 में है, लेकिन मैं आपको यहीं पे बता देता हूं कि इसकी डेट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, आपका चिल्ड्रन डे, क्योंकि ये आपका कह सकते हो कि चिल्ड्रन डे बालकों के प्रोटेक्शन के लिए, जो चिल्ड्रन डे हम जिसको बनाते हैं, चिल्ड्रन डे किसके लिए बनाया जाता है, चिल्ड्रन डे बताइए, हैं, किसकी याद मनाया जाता है, हमारे देश के प्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, तो क्या डेट थी वो, 14/11/2012, तो ये डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, ठीक है ना, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए अगली बातचीत करते हैं,
तो ये इसका मतलब कह सकते हो कि 63वें वर्ष में 63 ईयर्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया इसको एनेक्ट किया गया था 63वें वर्ष में। इसको निकालने का तरीका भी मैंने आपको बार बार बताया है कि भैया ये एक्ट का नंबर क्या है 2012, इसको जो है तो आप 1950 से क्या करोगे माइनस करोगे तो ये निकल के आता है आपका 62, इसमें प्लस 1 कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 63। अब बोलोगे साहब प्लस 1 क्यों कर रहे हैं, तो वही है कि एक साल आपका देखा जाए तो हो जाता है, तो उसको उसको काउंट करने के लिए वन ईयर का है ना अपन इस तरह से काउंट करते हैं, तो प्लस 1 करके रिपब्लिक डे वहां पे बनाया गया 63वें वर्ष, क्योंकि जनरली होता है ना एक साल कहाँ काउंट किया जाता है ना, जैसे आप 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए हो, बोलो पहला बर्थडे कब हुआ, तो पहला बर्थडे जो है तो आपका तो एक साल हो गए ना है ना, तो देखा जाए तो भारत एक साल का हो गया 15 अगस्त 1948 को है ना, क्लियर कहानी। तो चलिए तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो ये फिर यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इस एक्ट में 2019 में बहुत ही ज्यादा अमेंडमेंट किए गए, बहुत ज्यादा विस्तृत संशोधन किए गए थे 2019 में, 2019 में तो 2019 में लागू इसमें अमेंडमेंट किए गए थे जिसको 16 अगस्त 2019 से लागू किया गया था, ठीक है। तो ये जो एक्ट है इसमें काफी बड़े बड़े संशोधन किए गए थे और इन संशोधनों को जो है तो कह सकते हैं कि आपका 16 अगस्त 2019 से लागू किया गया था। तो कुल मिलाकर के बहुत ही ब्रीफ यानी कि संक्षिप्त में मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी, एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि बेसिकली जो ये एक्ट है ये आर्टिकल 15(3) के अकॉर्डिंग जो है तो बनाया गया है, दूसरा आर्टिकल 39 के प्रोविजंस को भी ध्यान में रख के इनको बनाया गया है, तीसरा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के द्वारा बालकों के लिए एक कन्वेंशन हुआ था 1989 में, ठीक है, उस कन्वेंशन जिसका रेटिफिकेशन सरकार यानी कि भारत सरकार के द्वारा 11 दिसंबर 1992 को किया गया था, उसके अकॉर्डिंग ये एक्ट आपके सामने आया, ठीक है। इस कन्वेंशन का प्रयोग करते हुए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 252 का प्रयोग करते हुए इस एक्ट को बनाया गया, और सलिल बाली के केस में भी जो है तो बोला गया कि बालक की एज जो है चाहे विक्टिम हो चाहे बालक एक्यूज हो दोनों कंडीशन में जो है तो उसकी एज 18 साल से कम नहीं होगी, क्योंकि जो कन्वेंशन था उसके आर्टिकल 1 में उसको सबसे पहले मेंशन किया गया है। 9 अध्याय हैं, 46 धाराएं हैं, एक शेड्यूल है, अधिनियम क्रमांक जो है तो 32 है, राष्ट्रपति की स्वीकृति जो है तो 19 जून 2012 को मिली, 20 जून को ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन में पब्लिश्ड हुआ और 14 नवंबर को एक तरह से 2012 को इनफोर्स हुआ। 63वें वर्ष में ये एनेक्ट किया गया और सबसे व्यापक संशोधन सबसे ज्यादा अमेंडमेंट इस एक्ट में जो है 2019 में किए गए जिनको 16 अगस्त 2019 से लागू किया गया। तो ये एक्ट का मैंने आपको एक बेसिक चीजें जो है तो जो मेल शुरुआती प्रोविजन थी शुरुआती बातचीत थी वो मैंने यहाँ पे बता दिया। अब थोड़ा सा हम क्लासिफिकेशन ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट का वर्गीकरण देखेंगे है ना। तो क्लासिफिकेशन के बारे में आप देखो तो ये थोड़ा सा एक तरह से ये जो आपको पता है कि हमने शुरुआत में पढ़ा कि ये जो एक्ट है ये 9 अध्याय 9 चैप्टर्स में और 46 सेक्शन में और साथ में एक शेड्यूल है। तो क्या है ये थोड़ा सा एक संक्षिप्त में देख लो, थोड़ा सा चीजें याद हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो प्रारंभिक प्रिलिमिनरी प्रोविजंस हैं बेसिकली सेक्शन 1-2 में, तो यहाँ पे बेसिकली यही बताया गया है परिभाष इसका कहाँ कहाँ लागू होगा और इसके जो डेफिनेशंस वगैरह हैं परिभाषाएं वगैरह हैं वो बताई गई हैं। फिर इसके बाद आपका चैप्टर 2 की बातचीत करते हैं तो मेन ऑफेंसेस, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये बेसिकली जो है तो मेन ऑफेंस के बारे में बातचीत करता है। मोटे मोटे तौर पर हम देखेंगे यहाँ पर कि तीन प्रकार के मोटे मोटे तौर पर बेसिकली ऑफेंस आपके निकल के सामने आते हैं, ठीक है ना। तीन अपराध प्रमुख तौर पर निकल के आते हैं, एक आपका पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जिसको हम बोलते हैं प्रवेशन लैंगिक हमला, दूसरा सेक्सुअल असॉल्ट बोलते हैं और तीसरा सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है ना। अब यही वहां तीन देखा जाए तो तीन ही अपराध हैं, है ना। जैसे आप बोलते हैं उपहति फिर घोर उपहति तो उसकी अगली धारा ऐसी हो जाता है। तो प्रवेशन लैंगिक हमला बेसिकली सामान्य बोलचाल में हम उसको रेप, तो देखा जाए तो रेप की जो आप पढ़ोगे अपराध ये सेम है, बस इसमें नाम अलग दे दिया गया, नाम दे दिया गया पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और हम लोग बीएनएस में उसी को पढ़ेंगे रेप। तो चीज वही है, मतलब
अपराध के कंटेंट्स वही हैं, बस उसका हेडिंग, उसका नाम बदल दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। एक है आपका एग्रीगेटिव, ठीक है ना, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, तो उसका गंभीर स्वरूप है, कैसे गंभीर स्वरूप पढ़ेंगे वहां पर क्लियर आपको हो जाएगा, तो ये चीजें यहाँ पे ध्यान रखिएगा। दूसरा सेक्सुअल असॉल्ट है ना, तो लैंगिक जो हमला है वहां पर भी आप बीएनएस में भी पढ़ेंगे, वहां भी बताया गया है। और तीसरा है सेक्सुअल हरासमेंट, जिसको भी हम बीएनएस में सेक्सुअल हरासमेंट, तो देखा जाए तो सेक्सुअल हरासमेंट जो है आपके पूरे सिलेबस में आप देखोगे तीन जगह हम पढ़ेंगे, एक तो एक्ट ये पढ़ेंगे ही सेक्सुअल हरासमेंट जो पॉक्सो एक्ट है, देन उसके बाद एक आपका सेक्सुअल हरासमेंट जो वर्किंग वुमेन का सेक्सुअल हरासमेंट प्रिवेंशन एक्ट है वो भी पढ़ेंगे 2013 का, और बीएनएस में तो सेक्सुअल हरासमेंट पढ़ेंगे ही। तो देखा जाए तो सेक्सुअल हरासमेंट आपके सिलेबस में तीन जगह मिल जाएगा, ठीक है ना। तो तीन प्रकार के जो मेन ऑफेंसेस हैं उनके बारे में यहाँ पे बातचीत करता है चैप्टर टू। चैप्टर थ्री में बेसिकली अब जैसे बालकों का प्रयोग पोर्नोग्राफी वगैरह है ना, अश्लील पिक्चर बनाने वगैरह के लिए, अश्लील साहित्य बनाने के लिए यदि किया जाता है, उसके लिए जो पनिशमेंट्स की बातचीत सेक्शन 13-15 जो है, दो धाराएं हैं यहाँ पे बोला गया है। अब ये मेन ऑफेंसेस और ये मतलब इसको सप्लीमेंट्री सहायक बोल दीजिए चलेगा, ठीक है ना, सहायक सप्लीमेंट्री, थोड़ा सा गंभीरता कम हो जाती है। और इन अपराधों का यदि कोई भी व्यक्ति अबेटमेंट करता है, दुष्प्रेरित करता है भाई करो ये अपराध, या कोई व्यक्ति अटेम्प्ट करता है, प्रयत्न करता है, तो इसके संबंध में आपका चैप्टर फोर, तो बेसिकली मेन ऑफेंसेस सप्लीमेंट्री ऑफेंसेस चैप्टर थ्री में दो तीन धाराएं हैं, और फिर इन अपराधों कोई भी अटेम्प्ट या अबेटमेंट करता है, ठीक है ना, तो अबेटमेंट करता है या अटेम्प्ट करता है, इसके लिए आपका चैप्टर फोर। तो देखा जाए तो ये जो है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि आपका कोई भी जो एक्ट होता है, जनरली स्पेशल जो एक्ट होते हैं वो आपके कह सकते हैं सब्सटेंटिव भी होते हैं, प्रोसीजरल भी होते हैं, यानी कि सब्सटेंटिव यानी इसको बोलते हैं सारभूत भी होते हैं और प्रक्रियात्मक भी होते हैं। तो देखा जाए तो आपका चैप्टर 2, 3, 4 जो है ये सब्सटेंटिव सारभूत प्रावधान बोलते हैं, ठीक है ना, ये सब्सटेंटिव प्रोविजन बोलते हैं, ये अपराध को और उसके पनिशमेंट को बेसिकली जो है डिफाइन करते हैं। अब इस पर्टिकुलर एक्ट का जो प्रोसीजरल प्रोविजन है यानी कि प्रक्रिया, अब भाई चलो अपराध हो गया तो कैसे फिर रिपोर्ट करेंगे, तो जो प्रोसीजरल प्रोविजन होते हैं इसके संबंध में, तो प्रोसीजरल प्रोविजन बेसिकली जो है तो आपका चैप्टर 5 से यहां पर किया गया है। तो बेसिकली कोई भी प्रोसीजर यानी कि कैसे रिपोर्ट करेंगे, है ना, तो कौन करेगा, कैसे रिपोर्ट किया जाए, किसको रिपोर्ट किया जाएगा, पढ़ेंगे चैप्टर 5 में जो है, तो सेक्शन 90-23 में यहाँ पर प्रक्रिया बताई गई है कि रिपोर्ट कैसे करना है, कौन करेगा रिपोर्ट, करने पे कोई व्यक्ति आनाकानी करता है, कोई नहीं करता है, तो उसके लिए पनिशमेंट वगैरह की बातचीत यहाँ पर की गई है। चलो रिपोर्ट कर दिया, अब सबसे जरूरी जब बालक वहां पे रिपोर्ट किया गया और उस बालक जिसके साथ अपराध हुआ है उसको लाया गया, तो सबसे शुरुआत में जो उसका स्टेटमेंट होता है, अपराध के तुरंत बाद जो उसका स्टेटमेंट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो उसको लिखने के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, कौन लिखेगा, कैसे लिखेगा, है ना, इन सभी बातों को यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। तो तुरंत के बाद, तो पहले रिपोर्ट हो गया, चलो बच्चे को पकड़ के लिया, हाँ भैया क्या हुआ तुम्हारे साथ, कैसे हुआ बेटा बताओ, आराम से बिल्कुल इस पर एक्सपर्ट बैठेंगे, वहां पे मजिस्ट्रेट बैठेंगे आराम से बच्चे से, क्योंकि बच्चा है ऑलरेडी उसके साथ अपराध हुआ है, डरा है, सहमा है, घबराया है, तो उसको भी प्रॉपर बिल्कुल फ्रेंडली पढ़ेंगे, वहां पे फ्रेंडली प्रोसीजर वहां पे यूज किए जाएंगे, ऐसा कोई वर्दी वर्दी पहने कोई नहीं जाएगा, बहुत प्रॉपर तरीके से फ्रेंडली एटमॉस्फेयर के साथ जो है तो उसके स्टेटमेंट को प्रॉपरली रिकॉर्ड करेंगे। तो चैप्टर जो 6 है सेक्शन 24-27 जो है इसके बारे में बातचीत करता है। अब चलो भैया ये हो गया, अब चलो इसका ट्रायल, क्योंकि अब उसको सजा देना है, जो यहाँ पे अभियुक्त है अक्यूज है, तो उसका ट्रायल, तो ट्रायल कौन करेगा, स्पेशल कोर्ट ट्रायल करेगा। तो चैप्टर 7 में जो है तो बता दिया कि इनका ट्रायल जो है तो कौन करेगा, स्पेशल कोर्ट करेगा प्रॉपर तरीके से। और स्पेशल कोर्ट चूंकि ट्रायल कर रहा है, स्पेशल कोर्ट है, तो स्वाभाविक बात है कि उसके लिए स्पेशल प्रोसीजर होगी, प्रक्रिया होगी, और किस प्रकार से वो एविडेंस, क्योंकि देखो ऐसे ऐसे केस में एविडेंस मस्ट कंपलसरी, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, और अनिवार्य तरीके से उनको सही तरीके से लेना जरूरी होता है। तो इसलिए किस प्रकार से प्रक्रिया क्या है, वो किस प्रकार से साक्ष्य को प्रॉपरली लिखा जाएगा, तो ये आपका चैप्टर 8 कहता है। और बाद में फिर बचा कुचा, मिसलेनियस का मतलब होता है प्रकीर्ण, बचा कुचा, तो बचा कुचा वहां पे प्रोविजन है, देखोगे कि भैया एक्सपर्ट की सहायता, यदि ऐसे मामलों में एक्सपर्ट की सहायता कैसे ले सकते हैं,
कोई काउंसलर वगैरह की हेल्प कैसे ले सकते हैं, राज्य सरकार के कुछ यहाँ पर बता देंगे कि उसको जागरूकता फैलाना ताकि ऐसे अपराधों से लोगों को दूर रखा जाए, तो ये चीजें यहाँ पे कहता है। एक इसका शेड्यूल है और शेड्यूल में बेसिकली जो आपके आर्म फोर्स हैं, सशस्त्र बल को कहाँ डिफाइन किया गया है, देखोगे आप सेक्शन 2C में जो है तो आर्म फोर्स को डिफाइन किया गया है, ठीक है ना। तो वहां पे आर्म फोर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस तो उसकी लिस्ट दी गई है, ठीक है ना। तो बेसिकली जो है तो आप यहाँ पे शेड्यूल 1 की बातचीत करें तो वहां पे क्या दी गई है, लिस्ट ऑफ जो है तो आपका आर्म फोर्स एंड सिक्योरिटी फोर्स। तो आर्म फोर्स और सिक्योरिटी फोर्स की जो लिस्ट है वो शेड्यूल 1 में दी गई है प्रॉपर तरीके से, तो ये बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये आपका ये पर्टिकुलर चैप्टर का एक ब्रीफ मैंने जो है तो आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। तो कुल मिलाकर इसका चैप्टर 2, 3, 4 सब्सटेंटिव प्रोविजन की बातचीत करता है, 5, 6, 7 और 8 ये प्रोसीजरल प्रोविजन की प्रक्रियात्मक जो प्रक्रिया है उसके बारे में प्रोविजंस करता है। बचा कुचा जो है तो चैप्टर 9 में कहता है। और सेक्शन 1 क्या है, इंट्रोडक्शन होता है, प्रारंभिक होता है, परिचय, परिभाषाएं वगैरह बड़े आराम से आप याद कर सकते हो। तो सब्सटेंटिव प्रोविजन 2, 3, 4 और आपका कह सकते हो कि प्रोसीजरल प्रोविजन 5, 6, 7, 8 है ना। तो ये चीजें और मिसलेनियस बचा कुचा 9। चलिए तो ये चीजें आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, आप बस मेरे सेशन को देख लोगे और एक बार घर में देख लोगे आपको चीजें याद हो जाएंगी। चलिए अब आते हैं भैया चैप्टर 1 प्रारंभिक के बारे में बातचीत करते हैं। तो चैप्टर 1 में प्रारंभिक प्रिलिमिनरी प्रोविजंस के बारे में बातचीत करते हैं, प्रारंभिक प्रोविजंस। तो प्रारंभिक प्रिलिमिनरी प्रोविजंस के बारे में यहाँ पर यदि आप देखो तो क्या क्या बातें हैं। तो सबसे पहली बातचीत की भैया इसका नाम, अब बैरेट में देखोगे तो नाम पता ही है, हमने पॉक्सो जो है तो देख ही लिया, ठीक है। अब इसके बाद इसका जो कह सकते हो विस्तार एक्सटेंशन कहाँ पे है, तो एक्सटेंशन द होल ऑफ इंडिया संपूर्ण भारत पे है, है ना। क्योंकि एक एक्ट आया था जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की फिफ्थ शेड्यूल पांचवी अनुसूची के टेबल नंबर 1 के एंट्री नंबर 85 है ना। अब देखो ये चीजें सर याद करनी है, तो देखो ये अभी देखा जाए तो ये 2019 में हुआ, लास्ट एग्जाम भी हुई और जनरली ये नहीं पूछा गया, तो ये संभावना वाली चीजें हैं, पूछ सकता है नहीं पूछ सकता है, तो पढ़ लो कहीं पूछ ले क्योंकि नीचे तो दिया हुआ है, है ना। तो पढ़ लो क्योंकि वही होता है ना कि हम पढ़ते पूरे एक्ट में 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन है, आते तो 2-4 ही है, तो ऐसे ही 2-4 और याद कर लो, और ऐसे भी आप 2-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, कठिन चीज नहीं है। तो यहाँ पे 2019 के फिफ्थ शेड्यूल के टेबल नंबर 1 के एंट्री नंबर 85 के तहत जम्मू कश्मीर शब्द को क्या कर दिया गया, ओमिट कर दिया गया, विलोपित कर दिया गया, ठीक है। और फाइनली जो है तो 31 अक्टूबर 2019 से, ध्यान रखना है ना, क्योंकि भारत में तो कब से लागू था ये आपका 14 नवंबर 2012 से जम्मू कश्मीर को छोड़ के बाकी भारत में लागू था, और जम्मू कश्मीर भी कब से लागू हो गया, 31 अक्टूबर 2019 से, ठीक है। तो 31 अक्टूबर 2019 से इस अधिनियम को जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिया गया। तो ये कभी पूछ ले कि इस एक्ट को जम्मू कश्मीर में कब लागू किया गया, तो 31 अक्टूबर 2019 से। फिर ये मैंने आपको बताया दिया कि केंद्र सरकार ने, चूंकि ये यहाँ पे लिखा है आपका क्लॉज 3 में, तो इसलिए मैंने यहाँ बताया कि उस तारीख को इन्फोर्स होगा जो केंद्र सरकार ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन से बताए। तो नीचे देखो लिखा है कि केंद्र सरकार ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन बताया था क्या आपका 14 नवंबर 2012, तो आपका बाल दिवस के दिन, ठीक है ना, चिल्ड्रन डे के दिन जो है तो आपका ये एक्ट जो है तो चाचा नेहरू के जन्मदिन के दिन जो है आपका ये एक्ट जो है वो इनफोर्स हुआ है, ये बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं इसकी काम की परिभाषाएं, कुछ डेफिनेशंस। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आप वैसे देखोगे तो 12-13 परिभाषाएं हैं, लेकिन काम की परिभाषाएं है ना, केवल हम यहाँ पे 4 ही परिभाषाएं पढ़ेंगे। एक तो हमने ऊपर पढ़ लिया सी में, यानी कि आर्म फोर्स और सिक्योरिटी फोर्स को ऊपर ही देख लिया, ठीक है। अब 4 परिभाषाएं यहाँ देखेंगे और बाकी परिभाषाओं जहां पर जैसे बाकी हम सेक्शन में मैं बता दूंगा, बहुत प्रॉपर तरीके से आपको परिभाषाएं भी सब याद हो जाएंगी। तो देखा जाए तो मेन जो डेफिनेशन है इस एक्ट की है ना, 4 ही काम की है। पहला क्या है भैया, बालक, ठीक है ना, चाइल्ड। तो चाइल्ड यानी कि कोई भी, एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर, अभी 18 साल से कम एज का व्यक्ति। अभी हम BNS पढ़ रहे हैं, वहां पर सेक्शन 2 क्लॉज 3 में भी बालक को डिफाइन किया गया है, वहां पर भी 18 साल से कम एज का व्यक्ति। इसके बाद आगे चल के जो है हम कौन सा पढ़ेंगे, JJ एक्ट,
जेड एक्ट की सेक्शन 212 में, है ना, ऐसा यहाँ पे चाहो तो लिख लो, आपका बीएनएस हो गया, बीएनएस की सेक्शन 2 क्लॉज 3 में सेम डेफिनेशन बताई गई है बालक की। इसके बाद जो है तो हम पढ़ते हैं जेजे एक्ट, जेजे एक्ट पढ़ेंगे 2015 का ये एक्ट है, इसकी सेक्शन 2 क्लॉज 12 में बालक की परिभाषा बताई गई है और सभी जगह सेम परिभाषा है, एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर, एनी पर्सन अंडर द एज ऑफ 18 ईयर, 18 साल से कम एज का व्यक्ति बालक है, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखें। इसके बाद अगला 2D, ये ध्यान रखिए 2019 का अमेंडमेंट था, है ना, तो 2019 का मैंने शुरुआत में बता दिया, तो अब 2000, अब देखो एक चीज समझना कि सर 2019 के अमेंडमेंट तो कौन कौन से हुए हैं, क्या पूछे जाएंगे, तो अब देखो 2019 के हो गए, एक एग्जाम हो गई है और शायद वहां पर ये क्वेश्चन नहीं था, तो अब देखो संभावना है आपसे पूछ ले कि जो 2019 का अमेंडमेंट कब लागू हुआ था, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, है ना, तो बहुत सारे प्रोविजन है, क्योंकि तो कौन कौन प्रोविजन हुए हैं ऐसे तो नहीं पूछेगा, पर कब लागू हुआ था वो संभावना बनती है, इसलिए वो मैंने वो चीज को शामिल कर लिया है। बाकी कौन कौन से प्रोविजन है आप पूछोगे तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, पर उसकी थोड़ी कम संभावना है, अब इतना तो रिस्क लेना बनता है। चलिए तो यहाँ पे आते हैं, तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी, तो सीधी सी बात है कि बालक संबंधी, अब यहाँ पे यहाँ अच्छी चीज मैंने आपको बता दिया, शुरुआत में बता दिया था कि बालक की परिभाषा जो है तो जेंडर इक्वल है, जेंडर इक्वल मतलब कि यहाँ पे बालक शब्द फिर चाहे मेल हो या फीमेल दोनों के लिए काम करता है, ध्यान रखना है, बालक का मतलब केवल लड़का मत समझना, लड़का लड़की दोनों, ठीक है ना। चलो फिर आते हैं बालक संबंधी अश्लील साहित्य, तो बेसिकली बालक संबंधी अश्लील साहित्य, ठीक है ना, तो यहाँ पर अश्लील साहित्य से बालक को शामिल करते हुए, यानी किसी भी कोई भी ऐसा लिटरेचर साहित्य, यानी कोई भी जैसे मान लो कि जैसे कोई मैगजीन हो गई, कोई फिल्म हो गई, कोई भी मीडियम हो गया, जहां पर आपने बालक को यानी 18 साल से कम एज व्यक्ति को शामिल करते हुए कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हुए ऐसा कोई चीज दिखाया है, कोई चित्र, कोई फिल्म, कोई वीडियो, कोई कंप्यूटरीकृत आकृति, कोई इमेज, है ना, कोई भी किसी प्रकार का इसके अंतर्गत शामिल है, जो एक तरह से जहां पे आप बालक को यूज किए हो एज ए कह सकते हो ऑब्जेक्ट, एक वस्तु के तौर पर, तो यहाँ पर कह सकते हो कि ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी डेफिनेशन डी ए 2019 का अमेंडमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे अगला है डोमेस्टिक रिलेशनशिप, चूंकि अधिकांश बच्चों के साथ जो शुरुआती उनके साथ अपराध होता है आप देखोगे घर में ही होता है, ठीक है ना, बहुत सारे केसेस हैं जहां पर घर में ही होता है, और आपने बहुत सारे जैसे मीटू जब बीच में आया हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि जब मैं छोटी थी तो मेरे इसने जो है तो मेरे साथ ऐसा किया था, और आप देखोगे कि जनरली वहां पर इस प्रकार की हरकतें करने वाले जो व्यक्ति थे वो परिवार के ही सदस्य होते हैं, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर थोड़ा सा घरेलू संबंध के बारे में बातचीत करते हैं, और जब घरेलू संबंध आएगा तो डोमेस्टिक वायलेंस, तो बेसिकली इसको डिफाइन किया गया है डोमेस्टिक जो वायलेंस प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें, तो डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन एक्ट की सेक्शन 2 आपका एफ में है ना, इसको क्लॉज नहीं लिखा है, डोमेस्टिक वायलेंस की सेक्शन 2F में, ध्यान रखना है 2F किसकी, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की, तो 2F डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में घरेलू संबंध को बेसिकली डिफाइन किया गया है, ठीक है ना। तो यदि 2F डोमेस्टिक वायलेंस में देखोगे तो वहां पर कुल मिला के 3 प्रकार के संबंध के तहत व्यक्ति रहता है, एक होता है रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशनशिप, दूसरा होता है दत्तक संबंध एडॉप्टेशन एडॉप्ट रिलेशनशिप, तीसरा होता है आपका जो है तो यहाँ पर विवाह संबंध मैरिज रिलेशनशिप, तो कोई भी यदि रक्त संबंधी है, दत्तक संबंधी है, विवाह संबंधी है, और 3 प्रकार से संबंधी होते हुए साथ में एक ही, मतलब वहां पे ध्यान रखना शेयर्ड हाउस होल्ड में, साथ में एक साझी गृहस्थी में एक साथ में रह रहा है, शेयर हाउस कहाँ बताया गया है आपका टू सेक्शन 2(1) के क्लॉज टी में जो है तो यहाँ पे बताया गया है, तो जहाँ पे अपराध से आरोपी व्यक्ति यानी कि वहां पे आरोपी भी और बालक भी या तो साथ में रहता है या रह चुके हैं उसको बोलते हैं शेयर्ड हाउसहोल्ड, ठीक है ना। तो कुल मिला के ऐसा व्यक्ति जहां पे साझी गृहस्थी में रहते हैं, और साझी गृहस्थी कहां डिफाइन किया गया है, जहां पर अपराध से आरोपित व्यक्ति और बालक या तो लाइव यानी रहते हैं, हैज लाइव्ड, या तो साथ में रह चुके हैं,
तो बेसिकली जो है तो कह सकते हो कि यह साझी गृहस्थी के अंतर्गत बातचीत यहां पर मानी जाएगी। देन अगली बातचीत, अभी यहां पर ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लॉज है, जो अंतिम क्लॉज है। ये देखा जाए तो ये जो आपका लिखा है, मैंने यहां पर लिखा नहीं है, सेक्शन 2 क्लॉज 2 है, ये धारा 2 का क्लॉज 2 है। ये कहता है कि इस पर्टिकुलर एक्ट में, है ना, इस पर्टिकुलर एक्ट में कुछ और शब्द जो यूज किए गए हैं, यूज्ड हैं, लेकिन उनको डिफाइन नहीं किया गया है, परिभाषित नहीं किया है, तो उनका मतलब हम क्या लेंगे। जैसे मान लो कि इस एक्ट में कोई, मान लो उदाहरण के तौर पर किया, मुझे नहीं पता, मान लो कि यहाँ पर न्यायिक कार्यवाही शब्द यूज किया गया है ना, तो न्यायिक कार्यवाही का वही मतलब होगा जो BNSS में हम बताया गया है। कहीं पर संज्ञेय अपराध लिखा है कॉग्निबल ऑफेंस, तो कॉग्निबल ऑफेंस का वही मतलब होगा जो BNSS में, यानी कि नई CRPC में बताया गया है। कहीं पर मान लो बेईमानी पूर्वक शब्द यूज किया गया है, तो डिसऑनेस्टी का वही अर्थ होगा जो आपका BNS भारतीय न्याय संहिता में डिफाइन किया। कहीं वॉलेंट्री शब्द यूज किया गया है, तो ये चीज ठीक है। इसके अलावा मान लो कोई किशोर, कहीं पर किशोर जुवेनाइल शब्द यूज किया गया है, तो किशोरों कहाँ डिफाइन किया गया है, JJ एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में। या मान लो कि कहीं पर लिखा है कंप्यूटर रिसोर्सेस, कंप्यूटर साधन, तो कंप्यूटर साधन का वही मतलब होगा जो IT में बताया गया है। तो कुल मिलाकर के कि यहाँ पर कोई शब्द जो यूज किए गए हैं लेकिन डिफाइन नहीं किए गए हैं, उनको आपको 4 एक्ट से लेना है, BNS से, BNSS से, JJ से और IT एक्ट से। तो इस प्रकार से बहुत ही संक्षिप्त में मैंने आज इस एक्ट का एक समराइज्ड डिस्क्रिप्शन जो है तो आपके सामने रख दिया है। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। कहानी सर, इसकी वो डेफिनेशन जो इम्पोर्टेंट बताई है वो एक बार रिपीट कर दीजिए, वो नंबर डेफिनेशंस वगैरह जो बताई गई है। चलिए, तो डेफिनेशंस वगैरह जो बताई गई है यहाँ पर इम्पोर्टेंट बता रहे हैं वो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो डेफिनेशंस यहाँ पे इम्पोर्टेंट बताई गई है, है ना, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए, तो जो डेफिनेशंस यहाँ पे इम्पोर्टेंट बताई गई है, देख लीजिए, 2-1D, है ना, ये ध्यान रखिएगा, 2-1D। ये थोड़ा सा कई बार क्या होता है, कंफ्यूज करता है जब हम एग्जाम में रहते हैं ना, छोटी छोटी चीजें, जैसे ऑप्शन दे दिया कि ये बालक का परिभाषित किया गया धारा 2 के, है ना, ऐसे 2D में, या ऑप्शन दिया 2-1D, तो यहाँ ध्यान रखना 2 के सब क्लॉज 1 के D में, ये ध्यान रखना 2 के सब क्लॉज 1 के D में, ठीक है। तो वहां पे बालक शब्द को 18 साल से कम एज का व्यक्ति, 2-1DA में 2019 का अमेंडमेंट है जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी को डिफाइन किया गया। फिर आपका 2-1G, ठीक है ना, 2-1G में जो है तो आपका डोमेस्टिक रिलेशनशिप को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। और लास्ट में जो इसकी डेफिनेशन जो है वो कौन सी डेफिनेशन है, 2-1T में जो है तो आपका साझी गृहस्थी शब्द यूज किया गया है, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अब बोलोगे सर डेफिनेशन क्लॉज में तो ये बहुत सारे बताया गया है, गुरुतर प्रवेशन, लैंगिक हमला। अभी देखो, ये आपका सेक्शन 3 से लेकर के जब हम 12 पढ़ेंगे ना, तो वहां पे मैं आपको इन सब धाराओं को याद करवा दूंगा। तो वहां पे मैं जब इनको प्रॉपरली चार्ट बना रखा है मैंने, तो चार्ट में आपको एक्सप्लेन करता हुआ चला जाऊंगा, और आपका सेक्शन 3 से लेकर के 12 तक के जो प्रोविजन हैं बहुत ही प्रॉपर तरीके से हम आगे उसको याद कर लेंगे, है ना। बाकी तो वही परिभाषाएं, वही सब चीजों को बताया गया है आगे, विशेष न्यायालय धारा 28 में, विशेष लोक अभियोग धारा 32 में, तो आगे प्रोविजन वो काम किए हैं, है ना। 4 सेक्शंस पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जिसको हमें यहाँ पे पढ़ना है। और कोई क्वेश्चन? नो सर।